अच्छा कितने सारे फूल गिर गए हैं ये देखिए। ये है मकबरा मरियम का, मरियम और जमानी। देखिए जो ये फूल बने हुए हैं, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे, ये फूल हैं जो उल्टे बने हुए हैं। नीचे देखिए मोमबत्ती लगी हुई है, इधर भी जलती हुई, और ये देखिए उल्टी हर चीज उल्टी बनी हुई है, क्योंकि ये मकबरा है। ये फूल उल्टे दर्शाए जाते हैं, यहाँ पर मकबरा बने होते हैं। ये देखिए कब्र यानी मरियम और जवानी की, ये देखिए यहाँ पर बनी हुई है। ये देखिए नीचे गया रास्ता, इसमें बनी हुई ओरिजिनल। ये देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर बिल्कुल अंदर नीचे ओरिजिनल बनी हुई है। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोगों का स्वागत है प्रबल 821 ब्लॉग में। और अभी ये देखिए कितना बादल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा बादल हो रहे हैं। तो हम जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं आपको बता दें, मरियम के मकबरा जा रहे हैं जो सिकंदरा में स्थित है। और मौसम दिखा देते हैं आपको कैसा हो गया। देखिए पूरे बादल हो रखे हैं, बैक कैमरे से दिखाते हैं। देखिए पूरे बादल बादल हो रखे हैं, मौसम अच्छा है। तो अपने की चलो आज घुमाते हैं। मान्या 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 यहाँ पर खड़ी हुई है, देख कैसे पैर निकाल ली बालकनी से। देखिए मंदिर का भी अब काम पूरा हो चुका है, देखिए चोटियां तीनों लग चुकी हैं। तो अभी चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। आज अभी आ चुके हैं हम, ये देखिए पीछे है सिकंदरा, और ये सिकंदरा चौराहा है, दिखाते हैं आप लोगों को। ये है सिकंदरा चौराहा, बादल देख कितने भयंकर हैं। और अभी हम जा रहे हैं मरियम और जवानी के यहाँ जो मकबरा बना हुआ है टॉम, और देखिए बादल बहुत भयंकर आ गए हैं। ये है पूरा सिकंदरा है अंदर, दिखाते हैं आप लोगों को। सिकंदरा का भी टूर देंगे, और मेरा सेकंड ब्लॉग या थर्ड ब्लॉग था सिकंदरा का ही, तो आप लोग जा देख लीजिए, और मैं उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके चलते हैं अभी अपनी बागा खड़ी है इधर। तो ओके गाइस, ये देखिए मरियम का मकबरा आ गए हैं, और ये दिल्ली रोड है, और सिकंदरा इधर है। वो देखिए सिकंदरा की चोटियां भी दिख रही होंगी, ये देखिए। तो अभी चलते हैं अंदर और फिर दिखाते हैं। ये रोड बना हुआ है, रोड इसके अंदर है, थोड़ा चलना पड़ेगा। ओके गाइस अभी आ चुके हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। और यहाँ देखिए बादल तो बहुत ज्यादा, आज मौसम बहुत खराब सा हो रहा है। ये टिकट काउंटर यहाँ पर है, देखते हैं अंदर चल के। गाइस अभी आ गए और दिखाते हैं आप लोगों को मकबरा। ये देखिए मरियम का मकबरा है ये, और यहाँ पे देखिए बिना गुंबद के बना हुआ है। लिए मुमताज के लिए जैसे ताजमहल बनवाया था, शाहजहां के पिता जहांगीर ने अपनी माँ के लिए मकबरा बनवाया था, जिसे हम मरियम का मकबरा यानी मरियम टॉम भी नाम से भी जानते हैं। पूरी जानकारी देता हूँ। हीर कुमारी जोधाबाई का जन्म एक राजपूत राजकुमारी के रूप में हुआ था, और वे आमेर के राजा भारमल की बड़ी बेटी थी। 1562 ईस्वी में उन्होंने सम्राट अकबर से शादी की थी, जब जहांगीर का जन्म हुआ, जिनको हम सलीम के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने मरियम उज जवानी नाम के खिताब से नवाजा गया। मरियम की 1623 ईस्वी में आगरा में मृत्यु हो गई थी, और उनके बेटे जहांगीर ने उनके लिए 1623 ईस्वी में इस मकबरे का निर्माण करवाना स्टार्ट किया था। और 1627 के बीच में ये मकबरा यानी 1623 से 1627 के बीच में ये मकबरा बनवाया, जिसको हम मरियम का मकबरा या टॉम भी कहते हैं, मरियम टॉम इन सभी नामों से जानते हैं। ये मकबरा अकबर के मकबरे से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जो हमने शुरुआत में दिखाया 1 किलोमीटर दूर सामने से दिखता है। ये इमारत 9 भागों में बांटी गई है, और चारों दिशाओं में गलियारे भी हैं, जो अभी आप देख रहे हो गलियारे हैं। ये गलियारे हैं, आर पार दिखता है चारों ओर दिशाओं में। इस मकबरे को जो संभालने के लिए, ये देखिए ऊपर आपको दिख रहे होंगे, मदलों का प्रयोग किया गया है। हर एक मदले में 5 मदले हैं। इस प्रकार एक जो छतरी बनी हुई है ऊपर, उस पर 40 मदले सजाए गए हैं, देखने में बड़े, और ये देखने में देखिए कितने अद्भुत लगते हैं। देखिए ये जो मदले हैं ना, इनसे सजाए गए हैं ये 40 मदले एक छतरी पर लगे हुए हैं, उससे ये सपोर्ट पा रहे हैं।
तो देखिए गाइज आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मरियम ऑफ जवानी का ये मकबरा जो इस जहांगीर ने अपनी माँ के लिए बनवाया है, ये देखिए दिख रहा है मस्त। ये देखिए इधर बाग भी है, ये नजारा है कुछ ऐसा। और यहाँ पे ज्यादातर आपको कपल्स ही मिलेंगे। ओके गाइस चलते हैं अंदर और अंदर दिखाते हैं आप लोगों को। ये जो हमने गेट बताया था ये राजस्थानी स्टाइल में पूरा बना हुआ है और चार इधर है इसके और चार इधर है। और यहाँ से देखिए ये ऐसे बने हुए हैं, ये देखिए आर पार पूरा दिखेगा यहाँ पे सार, पूरा बिल्डिंग ऐसी बनी हुई है। ये देखिए किधर भी देखोगे सेम लगेगा, ऊपर से भी ऐसी बनी हुई है इधर से भी और यहाँ से भी। कितने पतले पतले गलियारे बने हुए हैं इधर, तो आपको दिखाते हैं जोधाबाई की कब्र यानी मरियम और जवानी की। ये देखिए यहाँ पर बनी हुई है, ये देखिए नीचे गया रास्ता इसमें बनी हुई ओरिजिनल। ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल अंदर नीचे ओरिजिनल बनी हुई है। देखिए हल्का हल्का इधर गिरने भी लगा है, ये देखिए गेट लगा हुआ है यहाँ पर, गेट बंद है। और ये देखिए ये कवर बनी हुई है, देखिए दिख नहीं रही है आपको, क्लियर नहीं दिखेगी। ये देखिए जोधाबाई की है कब्र, ये देखिए इधर से भी दिख, बाहर से भी दिख जाएगी। चलिए चलते हैं, और दो छत पे बनी हुई है कब्र और दो ऊपर बनी हुई है। देखिए नीचे बहुत अंधेरा हो गया, नीचे आए थे, ये देखिए अंदर इसके थोड़ी सी अंदर जाना पड़ता है फिर देखेगी आपको। और दो छत पे बनी हुई है, ये देखिए एक कब्र यहाँ पर बनी हुई है, ये देखिए देखिए कैसे रास्ते हैं यहाँ पर, अजीबो गरीब रास्ते हैं। देखिए यहाँ पर इतना पतला गलियारा है यहाँ पर जहाँ हम खड़े हुए हैं, देखिए पूरा इधर से पूरा बना हुआ है। देखिए वहां पर ये रास्ता है बीच में, इधर भी है। देखिए कूद के आगे यहाँ पर, ये देखिए एक मकबरे, चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। देखिए इसके नीचे पूरा खाली है, सुरंग टाइप से बनी हुई हमने जो बताया था बाहर। और ये देखिए यहाँ पर भी हमने दिखा दिया आपको कवर बनी हुई है। देखिए बाहर का नजारा दिखाते हैं आपको, अब आ चुके हैं बाहर, पूरा घूम लिए, बड़ा सा है पर है कुछ नहीं, बस एक बिल्डिंग बनी हुई है। ये देखिए दिखाते हैं इधर बाहर से, जो मेन गेट से आए हुए थे हम उधर दिखाते हैं, मेन गेट था यहाँ पर और वहां से आए हुए थे हम। और देखिए वहां पर वहीं से टिकट ली थी, टिकट है इसकी 20 रुपए, ऑनलाइन लोगे 20 रुपए, ऑफलाइन 25 रुपए पड़ेगी आपको। इधर पानी यानी पीना है तो उधर चलिए चलते हैं, उधर घूम के आते हैं। ये देखिए लाल पत्थर का पूरा काम है यहाँ पर। देखिए जो ये फूल बने हुए हैं, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे ये फूल हैं जो उल्टे बने हुए हैं। नीचे देखिए मोमबत्ती लगी हुई है, इधर भी जलती हुई। और ये देखिए उल्टी हर चीज उल्टी बनी हुई है, क्योंकि ये मकबरा है, ये फूल उल्टे दर्शाए जाते हैं यहाँ पर, मकबरा बने होते हैं। ये देखिए आपको दिखाए थे, ये डिजाइन है यहाँ पर अलग अलग तरीके से। अब चलते हैं पानी, यहाँ पर पानी पेयजल है आपको दिखाते हैं वो भी। और टाइम देखिएगा 5:30 हो चुके हैं, आज मौसम अच्छा था इसलिए हम आ गए। और कम से कम एक महीने से हम प्लान बना रहे थे आने का, आएंगे आएंगे पर आ नहीं पा रहे थे, एक महीना हो गया मुझको यहाँ पे आने के लिए कहते कहते। से कितने सारे फूल गिर गए हैं, ये देखिए ये है मकबरा मरियम का, मरियम ऑफ जवानी। देखिए अकबर की पत्नी जोधाबाई थी जो आ चुके हैं इधर। ये देखिए मेन ये गेट आपको हमने बताई दिया। और व्यू आज अच्छा आ रहा है क्योंकि आज ये बादल बहुत सारे हो रखे हैं, बादल ज़्यादा। ये देखिए फूल फुलवारी भी कितने फूल मस्त हैं, ये देखिए
से भी घूम लिया है पूरा मकबरा, आपको पूरी जानकारी भी दे दी। तो चलिए इस, और आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके गाइस, बने रहिए, प्यार दिखाइएगा वीडियो पर, ओके शेयर कीजिएगा वीडियो को जितना हो सके। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।